नमस्कार दोस्तों, अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं और वीडियो में जो दिख रहा है आपको, ये बुक सेल्फ हो या प्लांट हो या ये विंडो, ये सभी चीज़ें नकली है। ये हमने बनाया है AI के द्वारा। और कैसे आप भी अपने स्मार्टफोन में ऐसा ही वीडियो बना सकते हैं, इसके बारे में आज बताएंगे आपको। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस बैकग्राउंड को हम जब चाहे तब बदल भी सकते हैं, ऐसे ही और ऐसे ही और ऐसे ही। तो देखिए दोस्तों कि कितना मज़ेदार है ये एक का जादू। तो चलिए कैसे करना है हम आपको बताते हैं। पहले तो आपको क्या करना है कि ऐसे ही एक पोर्ट्रेट में आपको एक वीडियो ले लेना है। आपकी दीवार हो, कोई प्लेन दीवार हो, ऐसी दीवार ही चूज करनी है। तो वीडियो शूटिंग के बाद आपको आ जाना है एडिटिंग पे, और एडिटिंग के लिए हम यूज़ करेंगे स्मार्टफोन का। स्मार्टफोन में आपको पहले अपने वीडियो का एक स्क्रीनशॉट लेना है। तो यहाँ पर हमें एडोबे फायरफ्लाई ओपन करना है और उसके बाद जनरेटिव फिल सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर अपलोड इमेज करेंगे जो हमने स्क्रीनशॉट लिया था हमारे वीडियो का। अब इस स्क्रीनशॉट में से हम बैकग्राउंड इरेज कर देंगे और उसके बाद सब्सट्रैक्ट करेंगे हमारा जो वाइट वॉल वाला बैकग्राउंड था। वो वाइट वॉल वाला बैकग्राउंड इरेज करके बैकग्राउंड को ध्यान से इरेज करना है, और यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करने के लिए सब्सट्रैक्ट पर क्लिक करके हमें जो भी हमारा ब्लैकआउट बाहर आ गया था उसे फिर से रिमूव करना है, और उसके बाद हम ऐड करेंगे, और उसके बाद हम करेंगे ऐड वॉल को। सिंपल सा वॉल रखेंगे जिससे हम अच्छा इमेज बना सकते। पहले ही आपको सारी चीज़ें नहीं लिखनी है वरना अच्छा इमेज नहीं बनेगा। तो पहले सिंपल सी वॉल लाइए और उसके बाद अंदर एक एक चीज़ ऐड करती रहिए। पहले यहाँ पर हम सिलेक्ट करके लाएंगे बुक सेल्फ। तो काफ़ी सारी बुक सेल्फ देखने के बाद हम यहाँ पर ये वाली बुक सेल्फ रखने वाले। तो अब हम ऐड करेंगे एक प्लांट, और प्लांट हम लिखेंगे यहाँ पर। और उसके बाद काफ़ी सारे विंडोज़ देखने के बाद हमने ये विंडो सिलेक्ट कर ली है। अब ऐसे ही आप दूसरे इमेज भी बना सकते हैं कुछ भी लिख के। अब यहाँ पर हमने इमेज तो बना लिया है, पर अब उसे वीडियो में कैसे कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए पहले तो स्नैपसीड ओपन करेंगे। कुछ ऐसा आइकॉन आएगा तो उस पर क्लिक कर लेंगे, और यहाँ पर हम ओपन करेंगे जो हमने इमेज बनाया था वो। तो हमने ये इमेज सिलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पर हम टूल्स पे जाएंगे, और टूल्स पे जाने के बाद यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे हीलिंग। तो यहाँ पर हमारा जो फोटो है, जो इमेज है, उसे हम सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, रिमूव कर देंगे। हमारा जो इमेज है, जो व्यक्ति खड़ा है, उसे रिमूव कर देंगे ऐसे। तो क्या है कि थोड़ी जल्दी आप बना सकेंगे और इजी बना सकेंगे। अब हमारा ये फोटो रेडी हो गया है। अब जाएंगे हम वीडियो एडिटिंग में। हम वीडियो एडिटिंग के लिए एक खास सॉफ्टवेयर है कैपकट। कैपकट को यूज़ करना है तो आपको पहले तो VPN ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंडिया में बैन है। तो यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है। फोटोज पर क्लिक करने के बाद हमने जो इमेज लिया है, हमने जो इमेज स्नैपसीड में बनाया है उसे सिलेक्ट करने का, और यहाँ पर हम फॉर्मेट को चेंज कर देंगे, 16:9 सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद इमेज को एडजस्ट कर देंगे जिससे हमारा जो एडोबे का लोगो दिखता है वो दिखना बंद हो जाएगा। तो हमने इमेज एडजस्ट कर लिया है, और उसके बाद आपको ओवरले पर क्लिक करके अपना जो वीडियो है उसे सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमने हमारा वीडियो ऐड कर दिया है,
और यहाँ पर कैपकट का एक खास फंक्शन होता है कटआउट। कटआउट पर क्लिक करेंगे तो रिमूव बैकग्राउंड आएगा। कोई भी आप वीडियो में से रिमूव बैकग्राउंड कर सकते हैं, तो रिमूव बैकग्राउंड पर हम क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है। बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद आपको अपने वीडियो को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है अपने जो इमेज है उसके मुताबिक। तो यहाँ पर हमारा वीडियो बनके नमस्कार दोस्तों, मैं उसे रेडी हो गया है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें कि अगले वीडियो में हम क्या टॉपिक रखें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि AI से आप क्या क्या कर सकते हैं। और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फ्लिपकार्ट में कैसे AI का यूज़ हो रहा है और आप भी कर सकते हैं, वो वीडियो देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें।